नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। रेट 2021 की परीक्षा, 31,000 पोस्ट, 16 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा। लेकिन ये परीक्षा सिर्फ उन परीक्षार्थियों की नहीं थी जो पेपर देने के लिए गए, ये परीक्षा दरअसल राजस्थान सरकार की थी, राजस्थान प्रशासन की थी, राजस्थान पुलिस की थी और देखा जाए तो राजस्थान की जनता की भी थी। और इसमें करीब करीब सभी पास हुए। बात हम अगर उदयपुर संभाग की करें तो उदयपुर संभाग में, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर आदि जिलों में पुलिस प्रशासन और समाज के लोगों के साथ साथ जनता भी पास हुई। जो अव्यवस्थाओं की आशंकाएं थी, ऐसा कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, पर कुछ छुटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो इस परीक्षा में उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर पास हो गए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। वहीं दूसरी तरफ विभिन्न समाज के लोगों ने दिल खोलकर परीक्षार्थियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक की व्यवस्था का ख्याल रखा। बसों को लेकर माना यह जा रहा था कि अफरा तफरी मच सकती है, वो भी कहीं देखने को नहीं मिली। परीक्षार्थी अपने अपने घर सकुशल पहुंच गए। कुछ एक दो दुर्घटनाओं को छोड़ दें तो सब चंगा हो गया। 2.5 साल में दूसरी बार हुई इस महापरीक्षा में पहली बार सुकून भरे नजारे थे। कुछ देर के पलों को छोड़ दें तो शहर में न कहीं जाम लगा, न कोई अव्यवस्था और न ही कोई मारामारी दिखाई दी। उदयपुर शहर की बात करें तो शहर के बाहर स्थायी बस स्टैंड बनाकर बसों की व्यवस्था थी, उससे अभ्यर्थियों को काफ़ी सहायता हुई। दूसरी शिफ्ट खत्म होने के बाद उदयापोल पर कुछ देर तक वाहन रैंक कर चले। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाले अभ्यर्थियों के कारण ये स्थिति बनी। हालांकि वाहनों की कतारें ज़्यादा देर नहीं रही। बात प्रशासन की करें तो अभ्यर्थियों के लिए बसों की बेहतरीन व्यवस्था की। 100 से ज़्यादा निजी बसों को हायर किया। शाम को हर 5 मिनट में रोडवेज की एक बस रवाना की। शहर के बाहर 4 अस्थायी बस स्टैंड बनाए, वाहन वहीं पहुंचे और वहीं से अभ्यर्थियों को लेकर गए भी। रोडवेज की 80 बसें लगी थी। जरूरत महसूस होते ही बसों की व्यवस्था की गई, साथ हेल्प डेस्क भी लगाई गई। बात अगर पुलिस प्रशासन की करें तो परीक्षा के 2 दिन पहले थाना क्षेत्रों में व्यापारियों की बैठक कर दुकानें बंद रखने की अपील की गई। जाम की संभावित स्थिति से निपटने के लिए चौराहों पर भारी जाप्ता लगाया गया। वाहनों से ज्यादा पुलिसकर्मी दिखाई दिए। आईजी हिंगलाज दान उदयपुर बस स्टैंड और एसपी डॉक्टर राजीव पचार रेलवे स्टेशन पर डटे रहे। शहर के सभी व्यापारिक संगठनों का नेतृत्व करने वाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन आगे आया। पदाधिकारियों के सुझाव पर इन संगठनों से जुड़े ज्वेलरी, कपड़ा, ऑटोमोबाइल और दुकान प्रतिष्ठान नहीं खोले गए। जरूरी सेवाओं में शामिल डेयरी, किराना, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप जरूर खुले। प्रशासन की अपील हर आमो खास ने भी मानी। बिना वजह घरों से वो नहीं निकले। चौराहों पर पुलिस मित्र और स्काउट गाइड्स ने भी यातायात व्यवस्था देखी। समाज संगठनों ने अभ्यर्थियों के रहने खाने की मुफ्त व्यवस्था की थी। पहली शिफ्ट में परीक्षा देकर सेंटर से निकलते ही सबको खाना खिलाया गया। डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले में भी विभिन्न जिलों से आए 60 से 70 हजार से ज्यादा परीक्षार्थियों, मेहमानों का ध्यान रखा गया। न कोई अभ्यर्थी भूखा रहा, न कोई जाम में अटककर परीक्षा से वंचित रहा। शहर में परीक्षा सेंटर दूरदराज क्षेत्रों में भी थे, वहां अभ्यर्थी समय पर पहुंचे, इसके लिए बांसवाड़ा ने सड़कें खाली कर दी। रविवार का अवकाश होने के बावजूद घूमने या अन्य काम से बाहर निकलने के बजाय वागड़वासी घरों में ही रहे। ऐसे में सामान्य दिनों में व्यस्ततम दिखने वाली सड़कों पर भी अभ्यर्थियों को सेंटर पर ले जाती गाड़ियां फराटे भरती दिखाई दी। धन्यवाद के पात्र बांसवाड़ा के वे सभी विभाग भी हैं जिनके बेहतर कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग से देश की सबसे बड़ी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई। शाम 5 बजे तक परीक्षा समाप्ति के साथ बाहरी इलाकों में अस्थायी बस स्टैंड पर एक बार की जाम की स्थिति जरूर बनी, मगर परिवहन विभाग की ओर से एडवांस तैयारी रखी गई। बसों से अभ्यर्थियों को तत्काल गंतव्य की ओर रवाना कर दिया गया। स्थिति यह रही कि शाम 7:30 बजे तक तो सब कुछ सामान्य हो गया। दरअसल इस परीक्षा में पुलिस ने सभी सेंटर्स ने भीड़ नियंत्रित की। प्रशासन ने हर विभाग से बेहतर समन्वय रखा। शहरवासी घरों में रहे, एक तरह से रीट लॉकडाउन रखा गया। कोई बिना वजह घर से नहीं निकला। व्यापारी तन मन धन से सहयोग किया और परीक्षार्थी स्वनियंत्रित रहे, संयम में रहे, शांति से आए और शांति से अपने अपने घरों को लौट गए। दोस्तों, सीबीसी न्यूज़ आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज़ के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ।
पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।